अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब उम्मीद कर रहे थे सारा ठीक ठाक हो गया, अल्लाह पाक दी रहमत फजलो करम नसीब भी ठीक है। जी बेरी छंगानी सी छंगा ली, कल का मैं कोई भी व्लॉग ना बनाया ना अपलोड किया है। अज हूँ तकरीबन 12 का टाइम हो खड़ा, हूँ व्लॉग अपलोड बनाना स्टार्ट किया। तो सुबह मैं तो हल्की फुल्की सफाई की सी, लेकिन तबीयत जिस तरह की हूँ मैं बोल भी रही तो लग भी रहा बहुत ज़्यादा खराब है। तो बेरी छंगा दी थी उन्हें ना शायद आ रही मक्खियों का छत्ता जहा लगे हुआ सी, सफाइया वगैरह जो करना पियां ने देख सकते हो। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह तो कोई भी व्लॉग वगैरह ना बन रहा तो ना ही कोई मैं अपलोड कर रही हूँ। कल दी कल परसों की शादी भी स्टार्ट है, वो भी मैं कोई फंक्शन नहीं बना दी, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तबीयत ही इन्नी ख़राब है कि कुछ बन ही नहीं रहा। फिलहाल मैं इतों सारी सफाई कर ली सी, फिर बारात चढ़न लग गई सी तो फिर उधर चले गया सी। उन्हें भी मैं कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, सिर्फ मैं बस 2 मिनट जा के आए हैं। हूँ इतों सफाई करने हैं तो उस तो बाद कोई रोटी शोटी दार करने हैं। तो उम्मीद करने तुम्हें मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे, चैनल लाइक शेयर तो सब्सक्राइब लाजमी करा करो। बाहरों में तो मैं थोड़ा जहा दिखानी कि बाहरों किन्ना कूड़ा आया पे, ये सारा मैं इकट्ठा करके इतने कर दिता कि देखो तो ये भी ना मक्खियाँ हैं। देखो बाहरों भी दी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। ये सारी सफाई कर दें, जिस टाइम आज उतारन वाले आए हो उस टाइम फिर मैं कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई। तो सुबह नू इस नू वो करना है, वो कहते सी सवेरे आवेंगे तो फिर इस नू करके जावेंगे। तो फिलहाल इतना झाड़ू झाड़ू लाने हैं, अगे दिन भर जो भी करेंगे तेरे ना शेयर करेंगे। ये देखें जी शाम हो गई है, सुबह जो मैं उतो कूड़ा साफ कर रही सी उस तो बाद मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। दोपहर बस खाना छाना बना के खा के तो मैं इतने लेट गई सी, सारा दिन मैं इतने 4 बजे तो लेट ही रह गई। मेहमान आते जाते रह गए तो इस टाइम मैं बना रही हूँ जी आलू मटर का सालन। भाई का अज बड़ा दिल सी कि चावल बने हो नाल आलू मटर के, लेकिन चाचू जब बरात नाल गए हुए ने फिर ऐसे ले दुकान बंद सी। बस हम इस टाइम असं कल आलू मटर बना रहे हैं, तो भी अज 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं अज कोई सालन बना रही हूँ। दिल करता पाया कि आलू मटर बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन, देखो हम किस तरह बनते हैं। तकरीबन 20 तो 25 मिनट हो गए मैंने भूनी ला दी हुई, क्योंकि मैं ना आलू मटर का जो सालन है इस तरह इन तड़का बना के बिच आलू मटर पा के 20 तो 25 मिनट भूनी लगा के फिर इन पानी पानी है ताकि इन्हें टेस्ट अच्छा हो जाए। देखो सब्जी वाला समान समान भी सारा इतने पैक, खीरे खीरे मंगवाए थे 2-3 दिन पहले, ये भी नहीं खाए। धनिया थोड़ा जहाँ शॉपर पा के रखे, ए वाले प्लेटा मंगवाइया रोटी रखने वास्ते, क्योंकि जो छाबे ने ना वो खराब हो जाते फिर काले हो जाए। वैसे भी छाबे मेरे को खत्म हो गए, मैं तुम दिखाऊंगा छाबे, ए वाले छाबे देखो धोवो तो ये इस तरह के हो जाते हैं, कुछ इस तरह के काले हो जाते हैं। रोटी ए रखने वास्ते मंगवाइया 4-5 मंगवाइया, मैं कपड़े वास्ते निकाल के लैके आई हाँ, मैं तारे ना शेयर करिए। तो अच्छा एक होर काम भी सी, देखो है ना बेरी तो शायद उतारिया सी, हजे इन्हें भी सैपरेट करने वाला पै ये उस बेरी तो इतों। ये देखो होर भी खड़ा है, जूम करना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मक्खियाँ जितों उठिया ना उतें दोबारा जाड़ के बैठ गई। तो यह वाला उतारे इन्हें भी हजे सैपरेट करके तो लगता किसी बर्तन पाना है। फिलहाल बस मैं सालन बना लवा, सालन बना के तो फिर इन लैदा करा, फिलहाल इन ढक के ना ऐसे तो अभी रख दें। सालन कंप्लीट हो फिर मैं आटा गुंद रोटी पकावा, आपू भी सुबह मेडिसिन वगैरह लैन गया ना इत करनी है। बोनी अच्छी तरह कंप्लीट हो चुकी है मेरी, मैं उन्होंने हफ्ते जरूर पानी पावगी ताकि ये थोड़े बहुत जरा आलू का कच्चा पाने वो भी गल जाए। मैं तुम दिखाने कि आलू किन्ने कच्चे, अरे देखो आलू अच्छे खासे कच्चे है, थोड़ा जहा पानी होर पा के गलन वास्ते छड़ने। तो फिर यदा शहद का कुछ करा जोड़ा यह पै कोई कंच की बोतल वगैरह लिया के वो कुछ करा, पानी भर लिए पानी इतने स्टोर किया सालन वगैरह वास्ते। नीचे सिलेंडर देखो सफाइया वगैरह भी किसी शायद भी नहीं हुई,
जो मेरी तबीयत खराब हुई है ना इतनी बुरी तरह, उपरों शादी आ गई, शादी के बच्चे मेरे को नहीं जाएगा, वो लोग अलग नाराज ने शादी आए कि तुसी आए नहीं, खाना पीना तो कुछ होना है लेकिन फिर भी अपने जाना आना तो पैदा है। मैं बस सिर्फ अज 2 मिनट वास्ते गई सी, उस तो बाद नहीं मैं गई, हूँ शाम दुल्हन आएगी फिर मैं शायद जावा तो थोड़ी बहुत वीडियो भी बनावा, जिमें कि कल भी मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं सी किया। फिलहाल तो मैं कोई कंच की बोतल लभ के लिया नहीं है तो फिर मिलते हैं थोड़े ना। आंदा रहा मैं खाला को लैके आई, उन्होंने कहा कि चुल्हे उत्ते रख के गर्म करांगे फिर इनू कढ़ांगे। इन वैसे ना शीशे की बोतल च पाना चाहिए लेकिन मेरे को है नहीं, इसलिए मैं प्लास्टिक च पावांगी। तो आँच बिल्कुल हल्की हल्की असी वो कर रखी है थले, जो ये गर्म होंगे तो फिर इन्हें बाकी का प्रोसैस साढ़े शेयर करने। एक बिल्कुल घर का खालिस शहद है, सर्दियों के जिमें कि गला बैठ जाता है, जिमें कि इस दिन दिन मेरी तबीयत हो रही है उस तरह दबा दबा के इस चम्मच ना निकाल लेने ताकि जितना भी शहद होगा सैपरेट हो जाएगा। देखो जी गुद्दा से सैपरेट कर लिया तो बाकी शहद सैपरेट हो गया, हम असि छान के तो पावे। अजान भी हो रही है बिच, देखो मैं पहले तो नज़दीक तो दिखा रही हूँ, थोड़ा दूर करके दिखाया, गुदा सेपरेट हो गया। अरे देखो जी शायद सेपरेट कर लिया, बाकी यह गुदा शुदा बच गया। इनू खाला ने कहा कि भी इन बिच ना पाओ क्योंकि फिर टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि जरा इस तरह का मवाद है ना यदा सारी चीज़ा ये मिक्स हो चुकी ने, इसलिए शायद असी ये चले सेपरेट कर लिया है। देखो जो भी ठंडा होएगा तो फिर तुम दिखाऊंगे। उम्मीद करने तुम्हें मेरा यह व्लॉग पसंद आएगा, इस दिन चैनल में लाइक शेयर तो सब्सक्राइब लाजमी करो। मिलने किसी नवे व्लॉग ना, तक जी अल्लाह हाफिज़।